अशोकनगर जिले में नशे के कारोबारी धड़ल्ले से स्मैक का कारोबार कर रहे हैं और सैकड़ों युवा इसकी जद में आ चुके हैं। इस नशे के कारण अशोकनगर शहर में चोरियों की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसे देखते हुए शहर के युवाओं ने मिलकर अशोकनगर को स्मैक मुक्त बनाने की पहल की है। इसी कड़ी में स्मैक मुक्त अशोकनगर समिति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा को ज्ञापन देकर स्मैक कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए इस अवैध कारोबार को बंद कराने की मांग की। साथ ही कहा कि 7 दिन के अंदर अगर स्मैक कारोबारियों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो समिति बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। स्मैक का नशा करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बेचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी रोकथाम हेतु हमने एक ग्रुप बनाया सोशल मीडिया पर, उसमें मुक्त ग्रुप, जिसमें शहर के सभी समाज से भी अच्छे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज हमने माननीय SP साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें हमने उन्हें 7 दिवस का समय दिया है। उसमें क्या क्या मांग रखी है आपने? उसमें हमने मांग रखी है कि जो लोग स्मैक का नशा कर रहे हैं उन लोगों से को बयान के आधार पर जो मेडिकल संचालक उनको नशीली दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं और जहाँ से वो लोग स्मैक खरीद कर पी रहे हैं, उन सभी को चिन्हित करके आप उन पर कार्रवाई करें और नशा करने वाले लोगों को उपचार हेतु साज की व्यवस्था करने की कृपा करें। इस प्रकार से हमने कितना समय मांगा है आपने? हमने 7 दिवस का समय दिया है। 7 दिवस पूरे होने के उपरांत 7 दिवस में अगर हमको प्रोग्रेस नहीं दिखेगी तो हम बाजार बंद का आंदोलन और बहुत बड़े विशाल आंदोलन करेंगे, जिससे कि शहर में इसमें को हम भगा कर रहेंगे। सभी युवा साथी और सभी समाजसेवी संगठन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस मुहिम में। पुलिस की ओर से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस की ओर से आश्वासन मिला है कि हम कार्रवाई करेंगे और हमें भी जन सहयोग की आवश्यकता है। जैसा कि SP साहब ने हमें बताया था कि हमें भी सहयोग की आप लोगों से आशा है कि आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी उनका पूर्ण सहयोग करें, वो इस मुहिम में हमारा साथ दें और शहर से हम शहर को स्मैक मुक्त करके रहेंगे। बहरहाल अब देखने लायक होगा कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई स्मैक कारोबार पर करता है। दूरभाषी के लिए अशोकनगर से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। दूरभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।